नगर आयुक्त का निलंबन के बाद जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को नगर आयुक्त पद के कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी मिलने पर शुक्रवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने नगर निगम के सभी विभागों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने टैक्स विभाग में गंदगी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और दीपावली से पहले नगर निगम को पूरी तरह से रंगाई पुताई करवाने, निगम परिसर में बिखरे कबाड़ को निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। विभाग में फालतू बिजली जलता देख जिलाधिकारी भड़क पड़े और भविष्य में फालतू बिजली जलाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडात्मक कार्यवाही का चेतावनी दिया। निरीक्षण के दौरान पूरे नगर निगम विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारियों में दहशत सा माहौल बन गया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, महाप्रबंधक जलकल पी के गुप्ता सहित नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। क्या देखते हो? चेक जमा। आज कितने जमा हुआ है? रजिस्टर कंप्यूटर का रसीद देखते हो? वो कहाँ जा रहे हैं? फार्म सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो देते हो केवल फीड होता है। क्या नाम है आपका? असली अस्कर अली जी। आप क्या देखते हैं? दुकानों का किराया जमा होता वो देखते हैं। आप टोटल कितने दुकान है? डेढ़ सौ नहीं सर, 2000 जी सर। आप क्या देखते हैं? एप्लीकेशन क्या शिकायत? नहीं सर, जो नामांतरण के लिए होता है, नामांतरण के लिए पब्लिक लाती है सर। अच्छा, यहाँ जमा होता है जी सर, रसीद कटता है, रिसीव ही होता है। जी जी जी, बाहर तो लिख दो ना यार, फिर शीशा इतने क्यों गंदा क्यों है? इसका तो खुद सफाई नहीं करते हो तो फिर शहर का सफाई कैसे रखते हो? तो कम से कम तो झाड़ू उड़ू लगा करके तो उसके ऊपर बढ़िया से कौन सी सेक्शन है उसका कंप्यूटर में प्रिंटआउट निकल करके चस्पा कर देना तो पता चल जाता है उसको। फिर प्रोसीजर भी एक स्टैंडिंग लगा दीजिए, मतलब घर जमा करने के लिए क्या क्या चाहिए, फिर ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए क्या प्रक्रिया है ना, वो हर जगह एक स्टैंडी टाइप का करा के चस्पा मत करिए, स्टैंडी हो जाए उससे देखे तो समझना चाहिए था क्या क्या चीज़ वो लाना है। मुझे फॉर्म मिलेगा तो फिर कितने पैसे जमा करना, रसीद कितने का सारे। और इधर ऐसे कूड़ा कबाड़ा कितने हैं इसका यार, कोई एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर कोई है यहाँ? मतलब कोई ये बिल्डिंग का कोई है ना, नाजिर नजारत कोई है ऐसे? कोई जेई जेई देखता है? जेई भवन जेई कोई है? उनको बता दें जो कितने जो ऐसे कूड़ा कबाड़ा है सबको इकट्ठा करके पूरा नीलामी करते हैं और दिवाली के पहले ही पुताई करा दें ढंग से, है तो कितने कीमत ये सर? हमारा टीविया सिस्टम है सर, टीविया वो उसका हम कंप्लेंट या फिर कैसे दर्ज करते हैं ऑनलाइन में? ये क्या आईजीआरएस है? जी जी, आईजीआरएस के लिए। नहीं ये सफाई करने के बाद यार ये जो शिकायतकर्ता का नंबर मोबाइल नंबर इत्यादि कुछ है उस पर कन्फर्म कैसे करोगे? ये जो ने तो शिकायत किया है फलाना व्यक्ति ने, फलाना नाली साफ नहीं है, तुमने कह रहे तो सफाई हो गया, उसके बाद इनका इनसे कभी पूछा है सफाई हो गई कि नहीं? मोबाइल नंबर आता है कि नहीं भाई? सबसे कन्फर्म करो, 100% कन्फर्म करना है, कहीं उस पर नेगेटिव मिलता है तो वापस करा देना। मोबाइल नंबर होता है कि नहीं इसका शिकायत कर रहे हैं? आई आर एस में तो मैंडेटरी होता है, उसमें आता है। सबसे पूछो कितने शिकायत पर आता है, जो भी है ये होना सारे मोबाइल नंबर तो ही है। सबसे एक बार पूछ करके ये कॉलम अतिरिक्त बढ़ा दो, फोन से कन्फर्म हो गए कि नहीं ये सर नो करते हैं। रिपोर्ट यही रिपोर्ट है
संतुबली जनपद गोरखपुर का लाइट विभाग जी टाइप दिन में लाइट जल रही है उससे दुविधा नहीं पहुंचा था इंदिरा नगर में अब तक 7-8 बार हो गया था दिन में लाइट पे जलने की शिकायत मिल रही है उसको जिम्मेदारी किसका है बंद करने की जिम्मेदारी अगर आपको करना है अगले बार शिकायत मिल जाए तो सब करो अगर नाम नोट करो एक चेतावनी जारी करो क्या नाम है अशोक कुमार जी दिन में लाइट जलने की शिकायत मिलता है तो अगले बार आपसे पूछा नहीं जाता है सस्पेंड हो जाते हैं ठीक है हमने तो 7-8 बार आपको नगर आयुक्त को बता दिया फिर भी सुधरा नहीं खास तौर पर इंदिरा नगर इलाका इधर क्या है अनुभाग फिर ऊपर एक कंप्यूटर खराब पड़ी है उसको इन्वॉल्व कर दो ना फिर लाइट नहीं है तो खत्म कर दो रिकॉर्ड रूम मवेशी खाना मवेशी खाना कितने हैं एक फर्टिलाइजर वाला उससे यार महाराज जी भेजने के लिए बात चल रही थी आज दो वाहन है यहाँ भी आंकड़ा हुआ है कितने जानवर है पालतू जानवर 14 किलोमीटर ये मवेशी का मतलब ये इसका क्षमता क्या है जो कितने चल रहे आप ही देख रहे हैं दो लोग देख रहे हैं सर दोनों आदमी हैं सर सर ये चीज है वो आपके पास क्या क्या चाहिए है इसके अलावा मतलब आप तो सफाई का व्यवस्था का तो देखभाल करना कल बिल देखा था उसके सिग्नेचर आधा अधूरा में नहीं है अब थोड़ा सर लोग सुबह ही निकलना पड़ेगा मेरे साथ 5-6 बजे ठीक है आप पहले तो घूमोगे तो उसके बाद मैं आपके साथ आपका निर्धारण बगैर एक ही है यहाँ आप कहाँ बैठते हैं अतुल कुमार अच्छा दोनों साथ बैठते हैं वीरेंद्र ना नाली की इस बार कभी नहीं आना चाहिए था निर्माण पिछले बार तो न्यूनतम नाराज हो रहे अभी आप क्या आप बाबू है आप क्या नाम है सफाई के नहीं करते उसका सफाई होती ये कमरा क्यों बंद है क्या कहते हैं ये तुम्हारे बाबू हम दूसरे निकलने के लिए हैं छः
सर पूरा उसका सफाई वफाई पूरा मतलब उसका कौन सी रेंट देते हैं किस चीज़ का रेंट का और लैंड का आप क्या देखते हैं जी बोल रहे हैं हम उनके फायदे देखना चाह रहे थे सर कर नहीं इसमें आपको केंद्र अकेंद्र भी है क्या अच्छा वो वाले वो जो वो अथॉरिटी का और आपका आपस में होता है वो नहीं सर शासन से जो है कार्यरत कर्मचारी के संख्या 1166 समूह ग्राहक है टोटल 3045 है समूह ग्राहक6/6/17 का जन्म हुआ है कहाँ जा रही है वही तो आपके पास नहीं सर अभी आ नहीं लेने तो लेने के लिए कैसे आएंगे क्या सूत्र है आपका आप लोग क्या डाक में भेजने की कोई प्रोविजन नहीं है क्या क्यों नहीं भेजते हो रजिस्टर डाक से भेज दो उनको पता पे अपने माँ बाप का फिर इसके बाद ये क्या चीज है ये फॉर्म वो भर के देगा इसी के आधार पर ये आप जारी करते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है तो आपको फिर आपको और कोई जान से कोई मतलब ही नहीं है इन लोग को फोन नंबर नहीं देते ये तो है ना फोन सबसे सबको फोन करा के बांटो फोन करा तो एक भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए फोन करा इसमें तो कुछ जगह कमी है खासतौर पे सफाई की कमी दिख रही थी और जो कहाँ कहाँ सर्टिफिकेट जारी होना उसमें विलंब हो रहा था खासतौर पे डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट में उसको अपने बताया तो तत्काल उसको जारी कराना चाहिए था और सफाई की व्यवस्था का भी ध्यान देना चाहिए था बाकी चीज़ तो रोज आऊँगा तो फिर सफाई होता रहेगा सही होता रहेगा।